नमस्कार, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपका अपने राम श्री कुंडली दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देने की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम हर सीरीज में हर कड़ी में एक नए पत्ते के बारे में जानकारी देते हैं जो रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता पैदा करता है और हमें लाभ देता है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको सदाबहार के बारे में जानकारी देंगे। सदाबहार का पेड़ है एक ऐसा पेड़ है जो 12 मास खिला रहता है और देखो हरा भरा रहता है। इस तरह से ज़्यादातर लोग भाई बहन सब सदाबहार को पहचानते होंगे, जानते होंगे और किसी न किसी घर में ज़रूर आपको ये लगा मिलेगा। ये खेतों में, बाज़ारों में और जो सड़क के आसपास भी लगा मिल जाता है ये पेड़, और नहीं तो नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। इसकी कटिंग भी लग जाती है और देखो ये फलियाँ जो हैं ये बीज के द्वारा भी तो उत्पन्न हो सकता है। तो इसके पत्तों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ये जैसे इसका नाम सदाबहार है और बहुत से लोग इसे बारहमासी भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसके गुणों के बारे में इतना वर्णन किया गया है कि मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी अगर मैं आपको सारे वर्णन बताने लगूँ कि इसके कितने लाभ हैं। जैसे इसका नाम सदाबहार है ऐसे ही हमको सदाबहार बनाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़ती जाए मगर आपकी उम्र कम दिखाई दे तो सदाबहार के पत्तों का इस्तेमाल, इसके काढ़े का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। 50 की उम्र में भी आप 25 के ही समान लगेंगे अगर आप इसके काढ़े का इस्तेमाल करते हैं। बस करना क्या है, 4-5 पत्ते तोड़ने हैं, 1 कप पानी में इसके पत्तों को तोड़ के उबाल लो और गुनगुना करके जैसे जैसे चाय की चुस्की लगा के पीते हैं ऐसे गुनगुना करके पीना है खाली पेट सुबह के टाइम। और इसके फूल, इसकी फलियाँ, इसके पत्ते बहुत सारी और इसकी जड़ जो इसका कंद होता है वो भी हमें बहुत सारी बीमारियों में लाभ देती है। इससे कौन कौन सी बीमारी ठीक होती हैं, शुगर में हमें लाभ देता है, हाई बीपी में लाभ देता है। ये दो रंगों में उपलब्ध है, सफ़ेद और ये गुलाबी। और भी बहुत सारी वैज्ञानिकों ने इसकी किस्में बनाई हैं मगर उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। सिर्फ ये देखो गुलाबी और एक जो सफ़ेद सदाबहार आता है उसके ही पत्तों का सेवन करने से हमें लाभ मिलता है। तो जब भी आपको सेवन करना हो तो गुलाबी फूल वाला या सफ़ेद फूल वाले सदाबहार का आपको इस्तेमाल करना है। इससे हमारा शुगर, बीपी और क्या कहते हैं खुजली हो जाए हमारे कहीं शरीर में तो उसमें इसके पत्तों को पीस के, इसके फूलों को पीस कर और उस अगर हम उस खुजली वाली जगह पर लगाते हैं तो हमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। और जैसे बरिया ने काट लिया हो, मधुमक्खी ने हमें कभी काट लिया हो, काम करते हैं तो अचानक मक्खी काट लेती मधुमक्खी तो सूज जाता है, तो फटाफट इसके पत्तों को पीसे, इसके फूलों को पीसे और थोड़ा सा नीम के पत्ता पीस लें 2-4 उसके अंदर और क्या कहते हैं पीस के लुगदी सी बना के और काटे हुए जगह स्थान पर अगर लगा लेते हैं तो आपका वो सूजेगा नहीं और जो उसमें गर्मी सी लगती है ना उसमें बहुत जल्दी राहत मिलेगी इसको लगाने से। ये सदाबहार इतना लाभदायक है कि आप जैसे किसी को कैंसर हो जाए, पहली स्टेज का कैंसर, दूसरी स्टेज का, तीसरी स्टेज का जो कैंसर होता है उसमें भी इसके पत्ते लाभ देते हैं। और इसका पाउडर बनाकर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों को छाया में सुखा लो और पाउडर बना लो मिक्सी में कूट उसको चलाकर और 1 चम्मच सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो कैंसर में भी इसका लाभ देखा गया है। और हाई बीपी में तो ये फ़ायदा करता ही करता है, बवासीर में भी फ़ायदा करता है और शरीर में खुजली कैसी भी हो, फंगस कैसा भी हो, हर किसी में ये काम करता है। इसका रस लगा सकते हैं। अच्छा, किसी को जैसे लड़कियों को, लड़कों को जवानी के दिनों में मुहासे हो जाते हैं तो मुहासों में भी फ़ायदा देता है। ये सदाबहार इतना महत्वपूर्ण पेड़ है, इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी जड़, इसकी फलियाँ कि हम इसकी गुणता का गुणगान कितना करें वो सब कम पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप भाई बहन और मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे दर्शक इस पेड़ के पत्तों का लाभ जरूर उठाएंगे, इसके काढ़े का सेवन जरूर करेंगे और जो जो मैंने आपको बीमारी बताई हैं उसमें आप इसका सेवन करने से आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और जो भाई हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर दें जिससे हमारी जो भी वीडियो नई आती है वो उन आप भाइयों तक ज़रूर पहुंचे और आप उन वीडियो का भी लाभ ले सकें। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है।
आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा उत्साह वर्धन होगा। आप कमेंट करें कि आपको क्या बीमारी है और आपने किस बीमारी में इसका सेवन करने से आपको लाभ हुआ है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ और इस आशा के साथ कि आप इसका सेवन जरूर करेंगे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा फ़ोन नंबर नीचे आपको मिल जाएगा और आप अगर कोई मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कोई साधना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कोई पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। तो आशा है आप मेरा सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।